नोट बंदी के बाद जारी 50 और 200 रुपए के नोट को लेकर नई परेशानी सामने आई है। इसलिए बैंक जाने से पहले जरूर पढ़ें। हो सकता है कि जल्द ये दोनों नोट बंद हो जाएं। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे तो ऐसा ही नजर आ रहा है। दरअसल कोटद्वार के अधिवक्ता अमृतांशु बड़थवाल और रोहित डंडरियाल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए 50 रुपए के नए नोट पर दृष्टिहीन लोगों के लिए कोई भी पहचान चिन्ह ब्रेल लिपि नहीं बनाए जाने का मामला उठाया है। उन्होंने उच्च न्यायालय दिल्ली में इसकी रिट याचिका दायर की है। कोर्ट ने RBI से जवाब तलब करते हुए कोर्ट में पेश होकर पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अमृतांशु और रोहित ने अमर उजाला को बताया कि RBI की ओर से जारी किए 50 के नए नोट में दृष्टिहीन लोगों के लिए कोई पहचान निशान नहीं बने हैं। इससे दृष्टिहीनों को उनकी पहचान करने में दिक्कतें आ रही हैं, जबकि पुराने 50 रुपए के नोटों में दृष्टिहीन लोगों के लिए नोट पहचाने के लिए ब्रेल लिपि में लिखा होता था। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस मामले में उन्होंने 3 नवंबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी दिन कोर्ट ने रिजर्व बैंक के अधिवक्ताओं को बुलाया। रिजर्व बैंक ने इस पर समय मांगा था 31 जनवरी 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने मामले को गंभीर बताते हुए रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को 16 फरवरी को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। बताया कि 16 फरवरी को रिजर्व बैंक का पक्ष सुनने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।